Everybody sing that shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh. Welcome, guys. Mukesh Network, and we are back with another one. Yes, we are back. सिद्धू मूसेवाला के हम वापस आ चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला का ये एक ट्रैक नहीं है, ये एक्चुअली उनका ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स 2019 का एक कॉन्सर्ट है, जहाँ पे वो सिद्धू मूसेवाला, स्टील बैंगर्स, मिस्ट और स्टेफलॉन डन आके लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। और पहली बार मैं सिद्धू मूसेवाला का एक लाइव परफॉर्मेंस देखने वाला हूँ, उसका वीडियो है, मतलब लाइव नहीं देखने वाला हूँ, लाइव परफॉर्मेंस है जिसका वीडियो मैं देखने वाला हूँ आज। 3:57 का ये वीडियो है। और उससे पहले यस, सिद्धू मूसेवाला, फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धू मूसेवाला को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स में अपना कदम रख चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में योगदान देने के लिए वो ज्वाइन हो चुके हैं कांग्रेस दल में। थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट्री करने के बजाय पॉलिटिक्स में जाते हैं तो मेरा थोड़ा वहाँ पे मन थोड़ा सैड हो जाता है। बट सिद्धू मूसेवाला अपने लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने गांव का ख्याल रखना चाहते हैं, जो करप्शंस हो रहे हैं, जिसके वजह से जो आम जनता है पंजाब के, स्पेशली आम जनता है, वो तकलीफ में आ रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए सिद्धू मूसेवाला अपने लोगों के लिए दंदल में घुस रहे हैं। इस पॉलिटिक्स का जो दंदल है उसमें घुस रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, और सिद्धू मूसेवाला ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, वो करते हैं अपना काम, वो करते हैं अपने गाने और वो मनोरंजन करते हैं लोगों के। बट क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे जो अभी पावर में हैं, पंजाब के हो या फिर बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो सिद्धू मूसेवाला समझ रहे कि ओके आई हैव टू टेक सम, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का इतना सपोर्ट है, तो सिद्धू मूसेवाला बोला कि क्यों ना मैं आगे आऊँ और मैं अपने लोगों को रेस्क्यू करूँ। सो ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2019, वो पॉलिटिक्स की बात हम साइड में रखते हैं, अब जाते हैं परफॉर्मेंस की बात पर। सिद्धू मूसेवाला, स्टील बैंगर्स, मिस स्टेफलॉन डन, कल था सिद्धार्थ शुक्ला, जो हमारे लेट सिद्धार्थ शुक्ला है, द बीस्ट, द किंग, उनका जन्मदिन था कल। बहुत ही हार्ट रेंचिंग डे था कल, क्योंकि जन्मदिन तो ज़रूर था लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, शहनाज गिल ने एक पोस्ट किया था विदाउट एनी कैप्शन, एक सिर्फ फोटो डाला था जहाँ पे से सिद्धार्थ शुक्ला एज एन एंजल वहाँ पे उस पोस्ट में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल वो एंजल है, हम सब के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, हम सबका ख्याल रख रहे हैं वो, और देख रहे हैं कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। सो लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू शहनाज गिल, एंड उसके लिए एक ट्रिब्यूट मैंने दिया हुआ है, एक कवर जो तू यही है बाय शहनाज गिल, जो ट्रिब्यूट दिया था उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को, मैंने उसका एक कवर बनाया, कल मैंने पोस्ट किया, अगर आपने नहीं देखा गो एंड चेक दैट आउट, आई बटन में लिंक है। और ये जो परफॉर्मेंस है 47 जो जिसका लाइव परफॉर्म अभी होने वाला है, हम देखने वाला है, उसका भी हमने रिएक्शन किया है, उसको भी चेकआउट किया है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। सो विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स गेट राइट ऑन दिस वन मैन, सिद्धू मूसेवाला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स गो। साउंड बढ़ाते हैं। सिद्धू मूसेवाला, ओ दिल दानी माथे फुटदा जो सानी रहंदा पहला मूड़े तनिया मैं कोई खेदा छ दे दे नी मैं लड़ने लई बणया चौने तो मारने तई नी मैं कम जानदा सारे मैनू बैरी कहंदे ने 47 दी मुटिया Come on. Yeah, just blew a chase on the moment. Harami Kala with his army. Zooty and Glossy in my party. Moose wallet. Full gangster vibe. Full gangster vibe. Still get busy with the streets. Yeah, my artist. Look at these people, man. Look at these people, man. Look at these people. आपने टाइटल में देखा है कि नहीं, ब्रिट एशिया टीवी, ये पंजाब नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि हमारे सिद्धू मूसेवाला हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। कम ऑन ना, कम ऑन यार, सिद्धू मूसेवाला का क्रेजी अलग है। How tall he is? सुन चालो का
ਸੁੱਕਦਾ ਤੇ ਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਤਰਥੀਏ ਮੁੱਕਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ओके सो पहली बात तो है जो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है, लेकिन जो वोकल्स हम लाइव देखो, लाइव में जो वोकल्स होते हैं और स्टूडियो में जो वोकल्स होते हैं उसमें काफी का फर्क होता है, क्योंकि जब स्टूडियो में जाते हैं तब आपको यू नो ओपन स्टेज नहीं होता ना, लोग आए हैं और आप कर रहे हैं, वो अलग प्रकार का प्रेशर है, वो अलग प्रकार का नर्वसनेस है और आपको चलना फिरना पड़ता है तो उसमें सांस आपकी फूलती है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और जब आप स्टूडियो में हम रिकॉर्ड करके निकलते हैं तो स्टूडियो में जो डिवाइसेस होते हैं ना वो आपके वॉइस को काफ़ी कुछ करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में वो थोड़ा सा अलग साउंड करता है, रियल लाइफ में थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो एनर्जी, वो हाई पिच, वो हाई रेंज जिस आसानी के साथ वो माइक पे जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, यहाँ पे भी उतनी आसानी के साथ जा रहे हैं। हालांकि वो चल फिर रहे इसीलिए वो माइक दूर कर रहे हैं ताकि उनका सांस भी लेने में तकलीफ ना हो। तो बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि देखो यार असली लाइफ में तो ये ऐसे साउंड करते ही नहीं, असली लाइफ में तो ऐसे सांस उनका रुकता है तो स्टूडियो में ऐसा कैसे है, तो फिर वो स्टूडियो फेक, ये सब नहीं है। काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप देखना पड़ता है। स्टूडियो में गाना और स्टेज पर गाना एक बात नहीं है, इसीलिए आप जब देखते हो जब क्लासिकल संगीत होता है ना तो वो चलते फिरते नहीं है, वो परफॉर्म नहीं करते, वो करते हैं क्या, आपको गाना सुनाते हैं, आपको उनका टैलेंट दिखाते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म उनको बोला जाता है जो इंटरैक्ट करे ऑडियंस के साथ, यू नो क्लासिकल सिंगर्स वो अपने ही मन में अपने ही संगीत को, उसके संगीत के इमोशंस को आपको कन्वे करते हैं अपनी आवाज़ के साथ, अपने मुर्कियों के साथ, अपने हरकतों के साथ, इसलिए वो आराम से शांति से बैठते हैं नीचे और गाते हैं, यू नो वो चलते फिरते आपके साथ बातें बातें नहीं करते, बिकॉज वो रॉकस्टर्स नहीं है, यू नो जो रॉकस्टर्स टिपिकल रॉकस्टर्स हैं वो रॉकस्टर्स नहीं है, वो परफॉर्मर्स नहीं है, वो सिंगर हैं। और सिद्धू मूसेवाला यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ ही, तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो जिसको आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स गो। Here we go, step left down. Me and Billy drinking Guinness in the public, Jimmy for the grub, AK-47 on the snub, me and Bambos on the rhythm, yeah, done. Skippy with it, top 10 price up, gone silly with it. Nah, 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 get jiggy with it. I got my pain on this, so I got a pain. Yeah, man, sorry, get tagged up and hoot all the time. Since you move to your army, they can have only with the back and all the time. Yeah. Before I go, out all my art nas, Carlos, gang business. Sidhu, my brother. Thank you. Make some noise for Sidhu, the man, right now. And big up Still Bangles for putting this all together. Taliya Mardo, Steph, Tekale, Yatwas, Tekana. Gang. Love you guys, love you. How many new varied 47. मेरे वैरी कहते ने मैनू फोटी। नाइस
नाइस, लुक लुक, एंड में भी वो दिख गया कि उनका रेंज कितना है, उनका आवाज़ कितना है, और वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाया. ये होता है परफॉर्मेंस, आप इंटरेक्ट करते हो ऑडियंस के साथ, आप ये करते हो ऑडियंस के साथ, ये होता है परफॉर्मेंस. और वहाँ यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे एंड वेरी वेरी गुड. मुझे अच्छा लगा, सिद्धू मूसेवाला थोड़े बहुत शाय ज़रूर है वह पता चल रहा था, लेकिन यू नो सिद्धू मूसेवाला एक उनका अलग ही ऑरा है, उनका अलग ही ऑरा है. जो रिस्पेक्ट उनको उन्होंने कमाया है वो डिजर्व करते हैं वो, यू नो बहुत सारा काम किया उन्होंने और वो रिस्पेक्ट कमाया. और काफ़ी सारे ऐसे जो आर्टिस्ट है, दूसरे आर्टिस्ट है, वो आके इनको डिस कर देते हैं बिना वजह, यू नो, एंड चलता रहता है उनका नोकझोंक, ये चलता रहता है. बट किस कोई ये डिनाई नहीं कर पाएगा कि सिद्धू मूसेवाला ने अच्छा खासा नाम कमाया है और काम करके कमाया है, और किसी का चोरी नहीं किया, किसी ने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने अपना अच्छा किया, और ये सिद्धू मूसेवाला से सीख लेनी चाहिए. सो सिद्धू मूसेवाला स्टील बैंगर्स मिस टेफलन डन. उनका ये वीडियो देखने का बस यही एक मेरा मोटिव था कि लाइव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिद्धू मूसेवाला. मेरा मेन फोकस सिद्धू मूसेवाला के पास था, ना ही स्टेफलन डन, ना ही स्टील बैंगल्स मिस के पास था. मेरा मेन फोकस था सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कि वो अपने लाइव में, लाइव परफॉर्मेंस में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. और भी काफ़ी सारे लाइव परफॉर्मेंस है उनका, बिग बर्ड के साथ भी है, सनी वाल्टन के साथ भी है, वो भी देखेंगे हम. और काफ़ी सारे वीडियोज़ आप सजेस्ट कीजिए जो ऐसे है, यू नो, जो लाइव परफॉर्मेंस है या फिर कुछ और ऐसे वीडियोज़ जिसमें हम सिद्धू मूसेवाला को और पर्सनली जान सके कि वो कैसे क्या करते रहते हैं. और जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला अपने ट्रैक्स ड्रॉप करेंगे हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिद्धू मूसेवाला बहुत पसंद है. सो 47 का जो रिएक्शन है आप जाके देख सकते हैं आई कमेंट में, आई सेक्शन में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा. और या इट्स दैट्स इट फॉर दिस वन. सो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और नेक्स्ट सिद्धू मूसेवाला वीडियो क्या चाहिए. एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल पोस्ट रेगुलर कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय.